भाजपा कार्यकर्ता कुल्लू हजरा की मनी 23वीं पुण्यतिथि। गांडे सहित भाजपा कार्यकर्ता कुल्लू हजरा की 23वीं पुण्यतिथि आज गिरिड जिले के गांडे प्रखंड के हलियापुर में मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने किया। वहीं पूर्व विधायक लक्ष्मण सुरनकार के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वर्गीय हजरा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर सुरनकार ने कहा कि कुल्लू हजरा भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वह चाहते थे कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, हर व्यक्ति के हाथ में काम और हर किसान के खेत में पानी पहुँचे। इस सपने को पूरा करने के लिए वह आजीवन संघर्ष करते रहे। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में ही वाहन से दबकर उनकी मौत हो गई थी। आज उनकी 23वीं पुण्यतिथि है। हम सभी भाजपा कार्यकर्ता उनके सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। मौके पर भाजपा नेता जदनंदन पाठक, विधायक केदार हजरा, पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा समेत कई लोग उपस्थित थे। बता दूं, मेरे पिताजी स्वर्गीय कुल्लू हजरा जो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जिला मंत्री थे और अंत्योदय कार्यक्रम में पूरे कांडे प्रखंड के भ्रमण में थे, उसी क्रम में जयपुर मोड़ के पास तत्कालीन सांसद श्री स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी के गाड़ी के नीचे उनका मिस्टेक से लगने से देहांत हो गया। और आज भारतीय जनता पार्टी उसी साल से संगठन के द्वारा प्रत्येक साल पुण्यतिथि मनाते हैं और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पूरे जिला भर के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, सांसद सभी लोग आकर के उनके पुण्यतिथि में शामिल होते हैं। साथ ही मेरे परिवार को और मेरे घर के सभी लोगों को सांत्वना देते हैं और हम लोग को भी पार्टी में बराबर किसी न किसी पद पर बराबर कार्य करने का अवसर मिला है, रहते हैं और संगठन बराबर लगा रहता है, इसलिए उसी लिए आज 23वां पुण्यतिथि है और हम सभी लोग उसमें शामिल। आज स्वर्गीय कुल्लू हजरा की 23वीं पुण्यतिथि है और स्वर्गीय कुल्लू हजरा भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हुए शहीद हो गए और आज पुण्यतिथि उनकी है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी हम लोग इस बात को संकल्प लेते हैं कि जो स्वर्गीय कुल्लू हजरा का सपना था इस क्षेत्र का विकास के लिए, यहाँ पर कॉलेज खुले, ब्लॉक हो और इस इलाके का सर्वांगीण विकास के लिए बड़े प्रयत्नशील रहते थे, इसलिए आज 23वीं पुण्यतिथि पर हम लोग बैठे हुए हैं और हम सभी का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के चरणों में सदासमन चाहते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आत्मा को शांति मिले और हम लोग उनका सपना जो था उसको साकार कैसे हो।